सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ENT गुड़गांव.com। मैं हूं डॉक्टर मनीष प्रकाश, सीनियर ENT सर्जन मेओम हॉस्पिटल गुड़गांव से। आज मैं आप लोगों से कॉमन ENT ऑपरेशंस के बारे में बातचीत करूंगा और इनको एक सिंपल एनिमेशन के द्वारा आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। कॉमन ईयर ऑपरेशंस होते हैं टिम्पैनोप्लास्टी या फिर मायरिंगोप्लास्टी। इसमें कान के पर्दे में जो छेद होता है इसको हम ग्राफ्टिंग करते हैं और नए फेशिया या मेम्ब्रेन के द्वारा रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। ये फेशिया या मेम्ब्रेन हम लोग कान के अंदर से निकालते हैं, जैसे कि कान के ऊपर वाले हिस्से से, जिसको हम लोग टेम्पोरालिस फेशिया कहते हैं, या फिर कान के आगे वाले हिस्से से, जिसको हम ट्रायगल पेरिकॉन्ड्रियम कहते हैं। ये दोनों ही हिस्से बॉडी के होते हैं जिसके थ्रू हम नया पर्दा बनाते हैं, जिससे बॉडी उसको अच्छे से एक्सेप्ट कर सके और हीलिंग कर सके। इसमें हम लोग अंडरले टेक्निक या ओवरले टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। कॉमनली अंडरले टेक्निक यूज़ होती है। इसमें कान के अंदर कैनाल में इंसिजन देके पर्दे को उठाया जाता है और पर्दे को उठाने के बाद नए पर्दे के लिए बेड बनाया जाता है और उसमें हम अंडरले टेक्निक से अपने मेम्ब्रेन को अंदर टक इन करते हैं और उसको हम जेल फोम से सपोर्ट करते हैं। जेल फोम एब्जॉर्बेबल स्पंज होता है जो कि 2 से 3 हफ्ते में कान में से घुल जाता है और पर्दे के सपोर्ट जो 2 से 3 हफ्ते में अपने आप बन जाता है, उसके बाद जेल फोम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब कान का पर्दा वहाँ पे बन जाता है तो धीमे धीमे उसमें वाइब्रेशन शुरू हो जाता है और अक्सर 3 से 4 हफ्ते में हम देखते हैं पेशेंट की सुनाई में अच्छा इम्प्रूवमेंट आने लगता है। दूसरा कॉमन ऑपरेशन होता है मैस्टॉइडेक्टमी। जिन पेशेंट्स को कान की बोन में, मैस्टॉइड बोन में इन्फेक्शन हो जाता है, उनको बार बार पस या डिस्चार्ज आने लगता है, उन पेशेंट्स को इस ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। इस ऑपरेशन के लिए अक्सर कान के पीछे से एक चीरा लगाया जाता है जिसको हम लोग पोस्ट ऑरल इंसिजन कहते हैं, या फिर कान के ऊपर की तरफ से चीरा लगाते हैं जिसको हम एंड ऑरल इंसिजन कहते हैं। इसके बाद हम डिसेक्शन करके बोन तक पहुंचते हैं और बोन में ड्रिलिंग को शुरू करते हैं। जो बोन होती है कान की, मैस्टॉइड बोन, एक ये हनीकॉम जैसे माने मधुमक्खी के छत्ते की तरह होती है और इसमें छोटी छोटी सेल्स होती हैं जो एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, जिसके थ्रू एक सेल का इन्फेक्शन दूसरे सेल तक पहुँचता रहता है। और जब हम ऑपरेशन करते हैं तो हमारे जो क्रिटिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे हमारा ब्रेन का प्लेट होता है जिसको ड्यूरल प्लेट कहते हैं, और पीछे हमारी खून की नलियों का प्लेट होता है जिसको हम साइनस प्लेट कहते हैं, इसका हमें ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। आगे की तरफ हमारा बॉडी का बैलेंसिंग सिस्टम जिसको हम लोग सेमी सर्कुलर कैनाल कहते हैं, वो भी आते हैं, और चेहरे की नस जिसे फेशियल नर्व कहते हैं, ये भी कान के थ्रू निकल रही होती है। जब हम ऑपरेशन करते हैं हम माइक्रोस्कोपिक गाइडेंस में ये सारे सेंसिटिव स्ट्रक्चर्स को बखूबी हम डिलीनेट करते हैं और उनको सेफ्टी के साथ सारे इन्फेक्शन को वहाँ से क्लीन करते हैं। अक्सर मैस्टॉइडेक्टमी के साथ हम कान के पर्दे के छेद को भी ग्राफ्टिंग या रिपेयरिंग करते हैं और इसके साथ हम जो टेम्पोरालिस फेशिया होता है उसको भी हार्वेस्ट करते हैं ऑपरेशन से पहले, और फिर हम ये आखिरी में जब सारा हम सफाई करने के बाद इन्फेक्शन की, फिर हम ग्राफ्टिंग को अंजाम देते हैं। थैंक यू।